हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर एक, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। ऑप्शन ए 2800 ईसवी पूर्व, सी 2000 ईसवी पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसवी पूर्व से 1750 ईसवी पूर्व, ऑप्शन सी 2600 ईसवी पूर्व से 1650 ईसवी पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसवी पूर्व से 1750 ईसवी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए पत्थर से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी ईंट से, ऑप्शन डी लकड़ी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर चार, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, लेकिन वर्तमान समय में यह पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलागिरा, ऑप्शन डी लोथर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर छः, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1922। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सात, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पावासी लोग लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आठ, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी हरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नौ, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दासों का टीला, ऑप्शन बी मृतकों का टीला, ऑप्शन सी कंकालों का टीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर दस, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ग्यारह, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी चार्ल्स मैसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर बारह, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृ देवी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृ देवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर तेरह, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी सुरकोटड़ा, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर चौदह, घोड़े की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी सुरकोतरा, ऑप्शन सी मोहन लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरकोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर पंद्रह, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी सुरकोटड़ा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सोलह, कब्रिस्तान R37 कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी सुरकोटड़ा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, माप तौले या पैमानों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी सुरकोटड़ा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से हमें माप तौले या पैमानों के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ग्रिड पद्धति से बना नगर कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। हड़प्पा ग्रिड पद्धति से बना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सुनामी के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धौलावीरा, ऑप्शन डी। क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।